नागरिकता बिल और नागरिकता का सबूत देने के खिलाफ शाहीन बाग देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक प्रतीक बन गया है। 19 जनवरी की शाम शाहीन बाग में जबरदस्त हलचल। मगर आज कुछ सवाल हम न्यूज चक्र के जरिए आपके सामने रखने जा रहे हैं, और जो मुद्दा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि क्या दिल्ली पुलिस 26 जनवरी से पहले शाहीन बाग को खाली करवाने का प्रयास करेगी, इसे समझने के लिए आपको इन कारणों पर गौर करना पड़ेगा। आपके स्क्रीन्स पर 26 जनवरी आ रहा है, लिहाजा केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस चाहती है कि सुरक्षा के लिहाज से कोई दिक्कत कहीं पेश ना आए, लिहाजा हो सकता है कि शाहीन बाग को खाली करवाने की कोशिश की जाए। दूसरा मुद्दा, लगातार यह दबाव बनाया जा रहा है कि किस तरह से शाहीन बाग ने नोएडा से सरिता विहार के पूरे ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया है। हालांकि जो बात किसी के समझ के परे है वो ये कि ब्लॉक एक छोटा सा हिस्सा हुआ है, मगर दिल्ली पुलिस ने पूरे स्ट्रेच को रोक कर रख दिया है। इसके अलावा, और यह बहुत अहम कारण है, भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीद की थी नागरिकता बिल से, जिस तरह के राजनीतिक फायदे की उम्मीद दिल्ली में की थी, वैसा होता दिख नहीं रहा है। लिहाजा हो सकता है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे माहौल में ध्रुवीकरण बढ़े, टकराव बढ़े, इसलिए हो सकता है कि शाहीन बाग को खाली करवाने की कोशिश की जाए और एक विवाद पैदा हो। और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रहस्यमय तरीके से कुछ बाहरी लोग आ जाएं और शाहीन बाग की उन महिलाओं के बीच खड़े होकर देश विरोधी नारे लगाएं। ये सब चीजें आपके सामने हैं, और यही नहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं शाहीन बाग के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपके स्क्रीन्स पर यह आदमी जिसका नाम विवेक अग्निहोत्री है, निहायत ही वाहियात और फ्लॉप फिल्म्स बनाने वाला ये विवेक अग्निहोत्री, कल इसने एक भड़काऊ ट्वीट किया। और जानते हो भड़काऊ ट्वीट क्या था? इस ट्वीट के मुताबिक शाहीन बाग के लोग कश्मीरी पंडितों की बेबसी, उनकी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं। आप सब जानते हैं कि आज से 30 साल पहले 19 और 20 जनवरी को कश्मीरी पंडितों के साथ जबरदस्त अत्याचार हुआ था। सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर चले गए थे और आज तक वापस नहीं जा पाए हैं। विवेक अग्निहोत्री ने यह झूठ परोसा। यही नहीं, बिहार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी ने भी आपके सामने ये ट्वीट किया, और ये ट्वीट क्या कहता है कि क्या शाहीन बाग के जो प्रदर्शनकारी हैं वो कश्मीरी पंडितों के दर्द में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। तो उसका नतीजा ये होता है दोस्तों कि अचानक वहां पर कुछ कश्मीरी पंडित पहुंच जाते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जहां पर प्रदर्शनकारियों और कश्मीरी पंडितों के बीच तूतू मैं हो रही है। कश्मीरियों को न्याय दो, कश्मीरी पंडितों 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 को न्याय दो, पूरे पंडितों को न्याय दो, न्याय दो। अब देखिए इसका क्या परिणाम होता है। एक न्यूज चैनल यह खबर चलाता है जिसके मुताबिक दोनों के बीच में हाथापाई हुई। अब आपने खुद वीडियो देखा, क्या आपको कहीं पर हाथापाई दिखाई दी? यही नहीं, रेडियो जॉकी आरजे साइमा ने भी इस ग्रुप से पूछा है कि आप प्रमाण पेश करें कि किसी तरह की हाथापाई हुई थी या नहीं। मगर कुछ देर बाद जानते हैं क्या होता है, उनमें से कश्मीरी पंडित मंच पर दिखाई देते हैं शाहीन बाग की जनता के साथ। यही नहीं, शाहीन बाग का यह बैनर देखिए, इसमें बाकायदा शाहीन बाग की जनता कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। मगर जिसे गड़बड़ करना था, जिसे अफवाह फैलाना था, वो अपना काम कर चुका था। उसके बाद रहस्यमय तरीके से विवेक अग्निहोत्री, वो फ्लॉप और वाहियात निर्देशक, अपने ट्वीट को डिलीट कर देता है। यह शख्स कुछ और नहीं बल्कि दिल्ली में दंगा भड़काने का काम कर रहा था। क्या दिल्ली पुलिस, क्या मुंबई पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी? और मैं आपको बताना चाहता हूं ये क्यों कर रहा था, क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों पर एक फिल्म भी बनाने वाला है जिसका नाम है द कश्मीरी फाइल्स, और कहीं ना कहीं उसके जरिए अपनी फिल्म की पब्लिसिटी भी चाहता था।
सच तो यह दोस्तों कि किसी ना किसी तरीके से शाहीन बाग जो कि एक प्रतीक है पूरे देश में जो आंदोलन चल रहे हैं उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े पैमाने पर लगे हैं। आपकी स्क्रीन पर संबित पात्रा यहां पर बता रहे हैं कि किस तरह से 500-500 रुपए लेकर शाहीन बाग की महिलाएं जो हैं वो प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। ये इनके प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा रहा है। कौन संबित पात्रा? जी हां, ये वो प्रवक्ता हैं जो प्राइम टाइम में बैठकर भड़काऊ बयान देते हैं, विवादास्पद बयान देते हैं। अब ये देखिए, गौरव भाटिया, इनका मजाक देखिए किस तरह से शाहीन बाग की महिलाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आओ अनारकली उठो, 700 रुपए जो लेने हैं तुमसे। अनारकली और मुगले आजम को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है गौरव भाटिया, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक आप समाजवादी पार्टी के मुगले आजम में अनारकली की तरह नृत्य करते थे, अब आप भारतीय जनता पार्टी के मुगले आजम में आ गए हैं। अब इस शख्स पर गौर कीजिए, अमित मालवीय, यह भी इसी तरह से शाहीन बाग के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मैं बार बार वो कह रहा हूं दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आपके सामने शाहीन बाग और इस आंदोलन से जुड़े लोगों के सामने चुनौतियां ढेरों हैं। आपको इन चुनौतियों को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। एक मिसाल देता हूं मैं आपको, लखनऊ में क्या हुआ दोस्तों, अचानक इस वीडियो में आप देख सकते हैं पुलिस सारे कंबल जो है वो उठाकर ले जाने लगती है। आप देखिए किस तरह से ये एक अकेली महिला उत्तर प्रदेश पुलिस को चुनौती दे रही है। चोर पुलिस है, उत्तर प्रदेश की चोर पुलिस है, डकैत पुलिस है। देखा आपने, इसके बाद लखनऊ पुलिस स्पष्टीकरण देती है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर, इसमें दो चीजों पर गौर कीजिए। पहले वो ये कह रहे हैं कि साहब कुछ कंबल लेने वाले जो हैं वो धरना स्थल पर आ गए और वहां पर भीड़ जुटने लगी। भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि योगी जी का ये कैसा राम राज्य है कि लोग कंबल लेने जो है वहां पर पहुंच गए। चलिए कंबल, अगर आपको लग रहा था कि वहां पर एक कानून व्यवस्था की दिक्कत हो रही है और आपने कंबल उठा लिए, मगर कुछ महिलाएं फिर भी वहां बैठी हुई थी, कम से कम उनके लिए तो आप कंबल वापस कर देते। मगर क्या उन महिलाओं ने मोर्चा छोड़ा? नहीं, ये महिलाएं बगैर कंबल के रात भर वहां डटी रहीं। इसलिए इन लोगों को इससे डर लग रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस आंदोलन से डर लग रहा है। और डर का प्रमाण इस तरह से सामने उभर कर आ रहा है कि मुख्य धारा की मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे बदनाम करने के लिए। मिसाल एक दे चुका हूं, अब दूसरी मिसाल, टाइम्स नाउ का स्क्रीनशॉट देखिए। आप जानते हैं स्क्रीनशॉट में यह बताया जा रहा है कि किस तरह से शाहीन बाग की जनता जो है वो पुलिस को भड़का रही है। अब यहां पर इस स्क्रीनशॉट के हिसाब से उन्होंने कहा कि ये जो वक्फा है, ये घटनाक्रम जो है वो शाहीन बाग में हुआ, जो कि गलत है। ये तस्वीर तुर्कमान गेट की है। इतना बड़ा चैनल इतनी सी भी फैक्ट चेकिंग नहीं कर सकता। शाहीन बाग आज सिर्फ शाहीन बाग नहीं रहा, उतने ही बड़े आंदोलन दिल्ली ही नहीं, पटना में, मैंगलुरु में, देश के कई हिस्सों में हो रहे हैं। आपके स्क्रीन पर जाफराबाद, मुस्तफाबाद, खुरेजी, भजनपुरा, तुर्कमान गेट, हर तरफ से आवाजें बुलंद हो रही हैं। इस आंदोलन और इसमें शामिल लोगों की चुनौतियां बेतहाशा हैं और उसके लिए कुछ और नहीं, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन दो बयानों पर गौर करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने एक नहीं दो बार पुलिस की तारीफ की। प्रधानमंत्री भूल गए कि इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पुलिस जो है वो मोटरसाइकिल्स तोड़ रही है, वो सीसीटीवी तोड़ रही है, और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आप कह सकते हैं जिन्हें मौत के घाट उतारा गया है ये अपराधी थे, मगर क्या प्रदर्शनकारियों पर, जिसका कोई अभी सबूत नहीं है कि वो अपराधी थे, मगर क्या प्रदर्शनकारियों पर आप छाती और सिर पर गोली मारेंगे? मैं अब आपके सामने एक जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, जो कि मेरे सहयोगी न्यूज क्लिक में मेरे सहयोगी अलीम जाफरी ने जुटाई है अपनी रिपोर्ट के जरिए। आप ये स्क्रीनशॉट देखिए आपके स्क्रीन पर, पुलिस की ज्यादती जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान नहीं गया। आपकी स्क्रीन पर लोगों, वो 23 लोग जो उत्तर प्रदेश में एंटी सी एआर एनआरसी प्रोटेस्ट में मारे गए, सबके नाम है।
मगर नामों के आगे न सिर्फ उनकी उम्र में आपको दिखा रहा हूं बल्कि साथ में उन्हें किस तरह से मौत के घाट उतारा गया। मोहम्मद आसिफ 20 साल, छाती पर गोली। अलीम अंसारी सिर पर गोली। जहीर अहमद सिर पर गोली। आसिफ पीठ पर गोली। मोहसिन सिर पर गोली। मोहम्मद अनस आंख पर गोली। मोहम्मद सुलेमान छाती पर गोली। मोहम्मद शफीक सिर पर गोली। मुकीम हिट एट द बैक बाय अ बुलेट नियर हिज शोल्डर। नजीब जान छाती पर गोली। दोस्तों ये पूरी फहरिस्त मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें या तो छाती पर गोली मारी गई है या सिर पर गोली मारी गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और ये सवाल मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है, ये आंकड़ा दिखा रहा है कि पुलिस ने नफरत के चलते, बेरहमी के चलते प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। मैं पुलिस की इस थ्योरी पर भी विश्वास करने को तैयार हूं कि ये लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, मगर क्या आप उनकी छाती और सीने पर गोली चलाएंगे? आप उनके, अगर आपको गोली चलानी ही है, वैसे तो गोली नहीं चलानी चाहिए आपको, आप चाहते तो उनके पैरों पर गोली मार सकते थे। हालांकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ये बात कर रहा हूं मगर जो घोर कलयुग हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों में, उसके अंतर्गत इंसान जिंदा रहे वही काफी है। तो उत्तर प्रदेश ने तो 23 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, मगर शुक्र है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने ऐसा रहमोकरम अपने नागरिकों पर नहीं किया। राजगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतारा है और उनका टकराव पुलिस और प्रशासन से हुआ। आपकी स्क्रीन पर ये दो महिलाएं, निधि निवेदिता जो कि जिला कलेक्टर हैं और साथ ही डेप्यूटी कलेक्टर प्रिया वर्मा। सबसे पहले निधि निवेदिता का कि ये दो वीडियोस देखिए। पहला वीडियो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि निधि निवेदिता जी को लग रहा है कि वो झांसी की रानी का दूसरा जन्म है। किस तरह से मैदान में कूदकर रदारद थप्पड़ मार रही है, देखिए। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, यहां पर भी प्रदर्शनकारी इनके सामने हैं और ये अचानक उसे थप्पड़ मार देती हैं। मैं नहीं जानता हूं उस प्रदर्शनकारी ने क्या कहा। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके जहन में सवाल होगा कि वो प्रदर्शनकारी भी तो कुछ अपशब्द कह रहे होंगे, वो अपशब्द क्या थे हमें सुनाई नहीं दिए, नंबर एक। नंबर दो, एक जिला कलेक्टर इस तरह से कैमरास के सामने थप्पड़ मार रहा हो, क्या चीज शोभा देती है? अब इस एक और ऑफिसर प्रिया वर्मा पर गौर कीजिए। शिवराज सिंह चौहान ने इनके खिलाफ ट्वीट किया है और कहा है कि ये काले दिन हैं। शिवराज सिंह चौहान यकीनन प्रिया वर्मा ने थप्पड़ मारा है जैसा कि अभी मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं, मगर उनके बाल भी खींचे गए हैं। क्या ये हैं भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी कार्यकर्ता? खुद देखिए। तो जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, बहुत बहुत शुक्र है भगवान का कि कम से कम उन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां नहीं चलाई गई। मगर आज मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि आप लोगों में से जो लोग उत्तर प्रदेश के कार को तो सही ठहराएंगे मगर मध्य प्रदेश पुलिस के कार की आलोचना करेंगे, तो आपसे बड़ा ढोंगी कोई नहीं हो सकता। हालांकि दोनों में तुलना नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तो 23 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी प्रमाण के। मध्य प्रदेश की पुलिस भी यहां पर ज्यादती करते, कम से कम उनकी जिला कलेक्टर कुछ ज्यादती करते दिखाई दे रहे हैं और मैं उसकी आलोचना करता हूं क्योंकि कलेक्टर साहिबा को किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप कैमरास के सामने इस तरह से लोगों को थप्पड़ मार रही हैं। दोस्तों जाते आते मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। कुछ लोग यह प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि शाहीन बाग के युवा यह भी नहीं जानते कि NRC क्या है और CA क्या है और वो आंदोलन किस लिए कर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता।
इसी तरह के इल्जामात अन्ना आंदोलन में एक न्यूज चैनल ने उस वक्त के प्रदर्शनकारियों पर लगाए थे कि जो लोग वहां पहुंचे उन्हें यही नहीं पता कि लोकपाल बिल क्या है। मैं आपको बताता हूं कि लोग क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि आज की तारीख में कई मुसलमान यह महसूस कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों से यह सरकार, उसके नेता और इसकी गोदी मीडिया जो है वो मुसलमानों के खिलाफ एक जहरीला प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। कई लोग उस मुद्दे को लेकर भी वहां सामने उभर कर आ रहे हैं। जिस तरह से अन्ना आंदोलन के दौरान बेशक लोगों को यह नहीं पता था कि लोकपाल बिल क्या है, मगर वो इसलिए पहुंच रहे थे क्योंकि उस वक्त की जो कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त जो कथित भ्रष्टाचार था उसको लेकर वो परेशान थे या नाराज थे, या फिर जिस तरह का पॉलिसी पैरालिसिस था उसको लेकर वो नाराज थे, इसलिए वो अन्ना आंदोलन में शरीक हुए थे। मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम आंदोलनकारियों को बदनाम करने लगे। शाहीन बाग जैसे आंदोलन के पक्ष में हमें इसलिए खड़ा होना चाहिए, मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं इस देश की संविधान और उसकी आत्मा को बचाए रखना चाहता हूं। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हां वो जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही मैं न्यूज क्लिक पर कोई भी शो करूंगा आपके मोबाइल फोन्स तक वो शो सीधे पहुंच जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।